सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी नम्रता मैम। आज मैं आपको हिंदी में संपूर्ण वर्णमाला पढ़ाऊँगी। आपको पता है संपूर्ण वर्णमाला क्या होती है? जिसमें स्वर और व्यंजन आते हैं, उसे हम संपूर्ण वर्णमाला कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संपूर्ण वर्णमाला। स्वर वे वर्ण हैं जिनकी मात्राएं लगती हैं। ये संख्या में 13 होते हैं। अ आ छोटी बड़ी ई छोटा उ बड़ा उ री ए ए ओ औ अं अह। व्यंजन व्यंजन वे वर्ण हैं जिन पर मात्राएं लगती हैं। ये संख्या में 33 होते हैं। क ख ग घ अंग। च छ ज झ इय। ट ठ ड ढ अण। त थ द ध न। प फ ब भ म य र ल व श स छोटा सा ह। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन वे वर्ण हैं जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। इन पर भी मात्राएं लगती हैं। छ त्र ज्ञ और श्र। अतिरिक्त व्यंजन अतिरिक्त व्यंजन संख्या में 2 होते हैं तथा इन पर भी मात्राएं लगती हैं। अड़ ढ। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? संपूर्ण वर्ण माला। चलिए अब कुछ यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं, उसे पहचान कर आप उसका पहला वर्ण लिखिए। जैसे घ से घड़ी, वैसे क्या है ये है छतरी। तो छतरी किससे होती है? छ से। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? छ। ऐसे अगले चित्र में क्या आपको दिख रहा है? ये है अंगूर। तो यहाँ हम अंगूर किससे होता है? अंग से। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? अंग। वैसे सारे चित्रों को पहचान कर उनका पहला अक्षर लिखिए। चलिए अब पेज नंबर 10 खोलिए। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चित्र पहचान कर खाली जगह भरिए। क्या है ये? ये है दवात। दवात किससे होता है? द से। ऐसे ही अगले चित्र में क्या बना है? ये है तरबूज। तरबूज किससे होता है? त से। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? त। अगले चित्र में क्या है ये? कबूतर। कबूतर किससे होता है? क। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? क। ऐसे सारे चित्रों को पहचान कर उनका पहला अक्षर लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वर्णमाला के अनुसार पहले क्या आएगा ये लिखेंगे। जैसे अ से पहले क्या आता है? ओ। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ओ। ढ से पहले क्या आता है? ड। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ड। ऐसे ही न से पहले क्या आएगा? ध। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ध। फ से पहले क्या आएगा? प। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? प। ऐसे ही आप वर्णमाला के अनुसार जो अक्षर पहले आएगा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। वर्णमाला के अनुसार बाद में क्या आएगा ये लिखेंगे। जैसे च के बाद क्या आता है? छ। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? छ। झ के बाद क्या आता है? इया। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? इया। ऐसे ही आप बाद वाले अक्षरों को यहाँ पे भरेंगे। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।